बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये कहावत या ये लाइन आपने अपनी लाइफ में लाख बार सुनी होगी, बहुत जगह ट्रकों पे भी लिखी होती है। और ये गलत बात नहीं है, नजर जैसी चीजें आज भी इस दुनिया में बहुत अच्छे लेवल पे अपना इम्पैक्ट दिखाती है। अच्छा खासा खेलता हुआ परिवार उलट जाता है, एक अच्छी खासी खेलती हुई जिंदगी बहुत अलग वे में चली जाती। ये हुआ है मेरे साथ और ये होता है, ये मेरे ही साथ नहीं, जो इंसान अपनी लाइफ में ईमानदारी से आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना, तो चार लोग उसको देख करके यही बोलते हैं कि यार ये कैसे बढ़ रहे हैं आगे, मतलब ये तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये कैसे बढ़ रहे हैं। एक बार की बात है, मैंने किसी इंसान से कुछ अमाउंट का प्लान किया कि यार मुझे अमाउंट चाहिए, मतलब उस समय बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम मेरी लाइफ का एवर डिफिकल्ट टाइम रहा वो, और उसी डिफिकल्ट टाइम में मैंने उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करी और अपने आप को पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाने की कोशिश करी, कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लान कर लिया। अगर वो मैं नहीं भी करता तो मेरी लाइफ में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट मैंने सोचा कि हाँ यार जब इतना बुरा चल रहा है तो इसको अच्छा करना है और बुरा करके। तो मैंने क्या किया भाई, एक स्पेसिफिक अमाउंट किसी इंसान से लिया, और उस अमाउंट को जब मैंने लिया तो उस अमाउंट में हुआ क्या कि उस इंसान को लगा कि वापस मेरे पास अमाउंट नहीं आएगा और कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, और मैंने उस अमाउंट को पूरा का पूरा उसको वापस दे दिया। अब वो इंसान ये सोचने लग गया कि यार इतना मोटा अमाउंट मेरे को वापस मिल गया और वो भी बहुत आसानी से, तो उनके माइंड में ना एक चीज घूमी। क्या चीज घूमी कि यार ऐसा क्या कर रहा है ये बंदा इंसान कि हम लोग चार लोग मिलकर के भी वो काम नहीं कर पा रहे जो ये अकेला कर रहा है। तो हुआ क्या, उन लोगों ने नेगेटिव आपकी नेगेटिव चीजों को, मतलब नेगेटिवली आपको देखना स्टार्ट कर दिया कि यार इतना अच्छा कैसे हो रहा है भाई। आप उस एरिया में आपको आपकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, वो उस रिस्पेक्ट के लिए परेशान रहते हैं और वो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली मुझे मिल रही है, ठीक है। इसका रीजन ये होता है कि जब चार लोग आपको देखते हैं ना अच्छा काम करते हुए, तो कुछ लोग तो आपको दिखाएंगे कि वो ना बहुत ज्यादा खुश हैं आपके लिए कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अच्छा दिखाते हैं लेकिन नेगेटिव सोचते हैं और ये सोचते हैं कि इंसान गिरेगा। लाइफ ने ना बहुत बार मुझे गिराने की कोशिश करी और आज भी करती है और शायद फ्यूचर में भी करती रहेगी, लेकिन मैंने क्या किया अपनी लाइफ में, एक चीज सोची कि भाई साहब जिस मुकाम पे पहुंचना है वहां पे पहुंच के रहेंगे चाहे जितना मर्जी गिर लें। अपनी हिम्मत को, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को, अपने कॉन्फिडेंस को कभी नहीं तोड़ा मैंने, और आज भी मैं उसी लेवल पे चलता हूं। लोग 36 बातें करते हैं, लोग गलत दिखाने की कोशिश जरूर करते हैं, आधी अनसुनी बात को सुन करके उस लेवल पे पहुंचते हैं, लेकिन रियलिटी मैं जानता हूं कि मैं किस लेवल पे कैसा हूं, और ये सभी लोगों के साथ होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप ना बहुत सही दिशा में चल रहे होते हो बट आप शो ऑफ नहीं करते हो किसी चीज का, तो उस इंसान को ये लगता है कि कुछ भी नहीं है और ये नेगेटिव इंसान है और नेगेटिवली अपनी चीजों को इंपैक्ट करना चाह रहा है, तो वो चार लोगों के अंदर बातें होना स्टार्ट होंगी और उसमें आपको नेगेटिव प्रिटेंड कर दिया जाएगा कि ये इंसान ऐसा है, उन चारों की धारणा बन जाएगी, और साथ ही साथ 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 20, 24 इस तरीके से वो धारणाएं फैलती रहेंगी। लेकिन मुझे 1% का फर्क नहीं पड़ता मेरी लाइफ में, मेरे आगे पीछे कौन क्या बोल रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब आप ऐसा हाथी एलिफेंट चलते हो ना, तो 10, 25, 30 कुत्ते भौंकते रहते हैं, और वो कुत्ते इस तरीके के होते हैं जो आपको सिर्फ भौंकेंगे, आपको टच नहीं कर सकते क्योंकि उनमें इतनी औकात या इतनी हिम्मत नहीं होती है, ठीक है। उन इंसानों के अंदर जलन की भाव इतनी ज्यादा होती है कि वो आपका मिनट के अंदर नेगेटिव सोच करके खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप अपने आप में मैं होता है ना, जब इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, जब आपको पता होता है कि आप बिल्कुल सही हो, सही दिशा में जाओगे और वो धारणाएं कभी टूटती नहीं आपके मन में, तो आपका वो इंसान कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकता। आपको सिर्फ हिम्मत नहीं हारनी, आपके साथ ना बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी आपकी लाइफ में जो आपको ना पूरा चेंज कर देंगी। आज से 3 साल पहले मुझे लगता था कि यार सब चीज बढ़िया है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन नहीं, भगवान समय समय पे आपकी ऐसी ऐसी परीक्षा लेते हैं ना, आप अगर चाहोगे तो टूट जाओगे और खत्म हो जाओगे, और जो चार लोग हैं ना वो यही चाहते हैं कि आप खत्म हो जाओ, लेकिन औकात हिम्मत आपके अंदर इतनी होनी चाहिए कि वो बातें सब मुड़ जाएं। आप किसी का गलत नहीं सोचोगे, ये ध्यान रखना,
किसी का गलत नहीं सोचोगे, भगवान करे उनके साथ बहुत अच्छा हो, लेकिन वो जितना अच्छा मेरे लिए सोच रहे हैं उससे लाख गुना अच्छा मैं उनके लिए सोचता हूं और मेरे साथ कभी गलत नहीं होगा, इस बात का मुझे भरोसा है। बुरी नजर, जलन, ये भाव ऐसे होते हैं उन इंसान के अंदर आपके लिए कि आपको वो कुछ समझते नहीं है और आपके लिए चार जगह आपकी गलत चीजों को बोलेंगे। उसी के अंदर आपके रिश्तेदार आते हैं, उसी के अंदर आपके मतलब आस पड़ोस के लोग आते हैं, उसी के अंदर आपके रिलेटिव्स आते हैं जो आपके लिए बहुत नेगेटिव सोचते हैं। या आपको बस अपनी लाइफ में ना तीन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से लेकर के चलना है, ध्यान रखना। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जितनी भी बुरी नजरें हैं उन सभी को दरकिनार करते चलो, इग्नोर करते चलो, क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट होता है नेगेटिव का जो आपको बुरी नजर तो लगाएगा लेकिन आपका कभी बुरा नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो हमारी मेंटेलिटी होती है ना, बुरी नजर लगना, जलन पैदा करना, या फिर कोई इंसान ये सोचता कि मैं इसके लिए गलत सोचूंगा तो उसके साथ गलत होगा, तो वो माइंड के अंदर होता है जो सोचता है, मतलब जिसके लिए सोचा जाता है। जैसे मान लो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए नेगेटिव सोचते हैं लोग, बुरे सोचते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ना जानता हूं और मैं बढ़ के ही रहूंगा। दूसरा पॉइंट, अपनी हिम्मत से कभी क्वेश्चन मार्क मत करना। आप जितने भी हो, जो भी हो ऐसे, और उनसे लाख गुना अच्छे हो, वो आपके वो मतलब गलत तरीके से आगे बढ़ रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके तरीके में कोई गलत नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि रिस्पेक्ट एवरीवन, सब किसी की रिस्पेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट करता है तो उस इंसान को साइड कर दो बिल्कुल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ है। तीन पॉइंट ऐसे हैं जो आपको अपनी लाइफ में हमेशा रखने चाहिए। ये बुरी नजर से दूर रखेंगे, दूसरे की जो जलन की भावना है आपके लिए उससे दूर रखेंगे, और आप जहां कहीं भी पीछे की ओर गिरना स्टार्ट करोगे वो आपको ऊपर उठाएंगे। लेकिन एक चीज में ध्यान आपको यही रखनी है कि आपको कभी किसी का बुरा नहीं सोचना, गलत नहीं सोचना, और हमेशा पॉजिटिव, अच्छा और सब बहुत अच्छे लेवल पे सोच रखनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक बार मैंने कुछ अपनी लाइफ में स्पेसिफिक चीज का प्लान किया कि मुझे ये लेना है, ठीक है। जब इंसान सोचता है ना कि यार इनकी औकात वो नहीं थी, अब ऐसे कैसे बढ़ रही, वो मेहनत होती है इंसान की। देखो, औकात, स्टेटस, लाइवलीहुड, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है किस तरीके से आप प्लान करते हो। एक समय पे आपके साथ इतनी सारी परेशानियां चलती है, लेकिन दूसरी साइड उस परेशानियों के साथ साथ अपने आप पॉजिटिव एसेट्स को भी इंक्लूड करते जा रहे हो, जो कि सबसे बढ़िया पार्ट होता है। इस चीज को समझ लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप पॉजिटिव इंपैक्ट को भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से ऐड कर रहे हो, और ये एक ऐसा पार्ट है जो आपको बहुत अच्छे लेवल पहुंचा सकता है। ध्यान रखना इस चीज को, बुरी नजर से बच के रहना, क्योंकि बुरी नजर कभी भी लग सकती है और ये आपको बहुत दिक्कत दे सकती है, लेकिन आपको कभी मेंटली ये परेशान नहीं होना है, बस इस चीज का ध्यान रखना। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं अपनी एक बहुत शानदार और नई वीडियो के साथ। और जाते जाते सिर्फ एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है और मेरे को उतनी ही एनर्जी देता है जितना कि आज आपकी लाइफ को जिस तरीके से अच्छी चीजों को देख करके लगता है, और मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच।